लॉकडाउन के चलते सहारनपुर के किसानों की किस्मत जैसे फूट गई है। पत्ता गोभी, टमाटर, तरबूज और खरबूज की बाहर मांग भले हो पर सप्लाई नहीं हो पा रही। दरअसल सब्जी और फल सप्लाई ना होने से किसानों की हरी सब्जियां खेतों में सड़ रही है। इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है और किसान है कि वह खून के आंसू रो रहा है। बताया जाता है कि यमुना के खादर में पालेज के रूप में उगाई जाने वाली हरी सब्जियां पहले तो दिल्ली की आजाद मंडी पहुंच जाया करती थी और किसानों को मनमाफिक दाम भी मिल जाया करता था, लेकिन इस बार कोरोना के संकट काल में किसानों की सब्जियां और फल बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अभी तक का हाल यह है कि बड़ी मात्रा में टमाटर, पत्ता गोभी, करेला, तोरई, लौकी और यहाँ तक कि तरबूज और खरबूज खेतों में ही पड़े पड़े सड़ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, उनके अरमान कुचल उठे। अब आखिर जाए तो जाए कहाँ? सरकार से मिलने वाली मदद उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मोदाराम। अच्छा, किसान है आप? टमाटर लगा रखे? किसान है, टमाटर भी लगा रखी, तोरी भी लगा रखी, मक्की भी लगा रखी और ये करेला भी है, सब कुछ है। बेकार हो गया क्या? कल क्या करे, लोन पर पैसा ले रखा 3 लाख रुपए, कल को उसका हिसाब करवागा। आपने बता, अब 3,22,600 ये देने पड़ेंगे आपको 12 जून तक। तो सब्जी बिक नहीं रही है? बिक नहीं रही है तो बताओ मैं कहाँ से पूरा पालू, कहाँ से नहीं। मैं घर में बड़ा हूँ, मैं तो सोचती हूँ भाई मैं निम्न तो बहुत क्या होगा।